नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया चैनल में। तो यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं राजस्थान बेरोजगार भत्ता के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री CM अशोक गहलोत ने यह घोषणा कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि 3500 रुपये महीना मिलेगा, 3500 रुपये फीमेल को मिलेगा, वहीं 3000 रुपये मेल को मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, क्या कैसे करना होगा, आवेदन कैसे, आपको जानकारी पूरी मिलने वाली। इसलिए देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, देखिएगा वीडियो को पूरा का पूरा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखा लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का निशान आएगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको राजस्थान से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। न्यूज के साथ आपको पूरी जानकारी एवं सटीक जानकारी बताते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो जी राजस्थान न्यूज की तरफ से ये खबर आ रही है, बेरोजगारी भत्ते पर CM की घोषणा। राजस्थान में 1 मार्च से मिलेगा कर्ज बेरोजगारी भत्ता। पुरुष बेरोजगारों को 3000 मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को 3500 रुपये मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। तो दोस्तों इस प्रकार से आ रही है न्यूज, पूरी जानकारी आपको बता देते हैं विस्तारित रूप से, इसलिए देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। चलिए दोस्तों पूरी न्यूज पा लेते हैं। दोस्तों पूरी न्यूज बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार का मास्टर स्टॉक, 5 गुना बड़ा बेरोजगारी भत्ता। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने बड़ा स्ट्रोक खेला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान युवाओं के बीच बेरोजगारी भत्ता को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब 1 मार्च से राजस्थान में बेरोजगार लड़कियों को 3000 रुपये और लड़कों को 3500 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, जिसके बाद में अशोक गहलोत ने सरकार बनने के 1 महीने के भीतर ही इसकी घोषणा कर दी। कर्ज माफी के बाद बेरोजगारी भत्ते पर इसलिए इस निर्णय को राज्य लोकसभा चुनाव से पहला बड़ा स्टॉक माना जा रहा है। इससे राज्य के युवा वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही। राजस्थान में करीब 50 लाख बेरोजगारों को अब 5 गुना ज्यादा बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें तो इस प्रकार से राज्य में जयपुर में बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि अभी 1 माह से सबको मिलने वाला है बेरोजगारी भत्ता। क्या रहने वाली है उम्र की योग्यता, कैसे क्या करना होगा आपको आवेदन, ये पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में सबसे पहले प्राप्त कराई जाएगी। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे लाल बटन को काला कर दीजिए और जो साइड में घंटी का निशान आएगा उसे जरूर दबाइएगा। उसे दबाए बिना आप हमारे लेटेस्ट वीडियो राजस्थान की नई योजनाओं के लेटेस्ट वीडियोस नहीं देख पाएंगे, इसलिए अभी का भी सब्सक्राइब करें और दबाए बेल आइकन को भी। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।